हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेकपाल। टेकपाल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे 100% डिस्क यूजेज एरर का। आपको मालूम है टास्क मैनेजर पे आप जाओगे तो वहाँ दिखेगा आपका डिस्क यूजेज जो होता है वो कंटिन्यूसली 100%, 90%, 98% दिखाता है और सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर आएगा, हैंग करेगा सिस्टम, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके बारे में मैं दो सोल्यूशन आपको बताऊंगा, दो ट्रिक नहीं है ये, दो ऑप्शन है, दो आपको फॉलो करना है, वो आपके सिस्टम विंडो स्टैंड पे फॉलो करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट 100% हो जाएगा। तो चलिए मैं आ जाते हैं अपने लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे पहले मैं अपना टास्क मैनेजर आपको दिखा देता हूँ कि मेरा क्या दिखा रहा है। तो मेरा जो डिस्क यूटिलाइजेशन आई थिंक बिकॉज मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, मैंने अपना निकाला हुआ है तो मेरे को इतना नहीं दिखाएगा, 2-3-4%, ये देखो 8 या 9% ही दिखा रहा है, इट मीन मेरा प्रॉपर चल रहा है। बट बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके पहले मैंने भी काफ़ी लोगों को फेस किया, जिसके पता है मैंने काफ़ी लोगों का सोल्यूशन इसके द्वारा किया है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियोज़ बना के आपको बता रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको टास्क मैनेजर में ही जाना है। और टास्क मैनेजर कहाँ जाना है, एक तो कंट्रोल और डेल से भी कर सकते हो, या आपके जो नीचे का टास्क बार है इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे आप तो टास्क मैनेजर का ऑप्शन आता है। टास्क मैनेजर में आप क्लिक गए और यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन है सर्विसेज, उसके ऊपर उस टैब पे क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन होगा ओपन सर्विसेज का टैब होगा, वो टैब पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए एक सर्विसेज का जो ऑप्शन होता है विंडोज 10 का वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको सर्च करना है विंडोज सर्च, यहाँ आपको विंडोज सर्च करना है। जो विंडोज सर्च क्या होता है, ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन है जो सिस्टम में कंटिन्यू चलते रहता है, कंटिन्यू आपका डिस्क का यूटिलाइजेशन रीड एंड राइट करते रहता है, इसकी वजह से डिस्क एरर आते रहता है और सिस्टम स्लो कर देता है। तो ये आपको विंडोज सर्च मिल गया है जैसे कि उसको आपको ओपन डबल क्लिक करके ये सर्विस को आपको डिसेबल करना है। ये सर्विस अगर ऑन होगी या इनेबल होगा तो ये आपका सिस्टम 100% स्लो कर देगा। तो इसको डबल क्लिक करके इस सर्विस को हम लोग जाके पहले डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के बाद देख उसके अंदर डिसेबल करने के बाद आपको अप्लाई ओके करना है, और अप्लाई ओके करने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको जो एरर डिस्क यूजेज हो रहा था ऑटोमेटिक 70-80% पे आ जाएगा, और उससे भी अच्छा उसके बाद भी और 70-80% से भी कम करना है तो दूसरा, जैसे मैंने बताया था दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आपको सर्च में जाकर टास्क शेड्यूलर टाइप करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 का होता है। टास्क करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, टास्क शेड्यूलर पे क्लिक करेंगे आप वहाँ, और वहाँ जाने के बाद आपको देखिए बहुत लेफ्ट साइड में टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी दिख रहा है टैब, और टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज में जाना है, विंडोज के टैब के अंदर डीफ्रग करके होगा, डीफ्रग करके एक ऑप्शन होता है, डी वाले कॉलम में चले जाइए आप, देखिए डीबग डीफ्रैक करके ऑप्शन है, उस पर सेलेक्ट करेंगे और ये एप्लीकेशन भी कंटिन्यू ऑन होता है। इसको पहले तो हम लोग एंड करेंगे एप्लीकेशन, राइट साइड में देखिए दिख रहा है, एंड पे क्लिक करेंगे, एंड करने के बाद ये एप्लीकेशन को भी हमको डिसेबल करना है। ये दो चीज़ आप कर देंगे तो आपका सिस्टम का जो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, हम ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।